रेडी। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, गृह मंत्री से, डिविजनल कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है या मजदूर है जो बाकी स्टेटों में फंसे हुए हैं, उनको घर लाया जाए, क्योंकि वो वहाँ पर परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। उन वहाँ की सरकारें उनका ख्याल रख रहे हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरा कर रही है, लेकिन फिर भी वो परेशान है वहाँ पर। अगर वो उनको घर लाएंगे, घर में वो रहेंगे, उनको घर में क्वारंटाइन हम करेंगे, वो परेश वहाँ से कॉल आ रही है, मुख्तलिफ स्टेटों से हमें फ़ोन कर रहे हैं लोग कि हम यहाँ पर परेशानी में हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की परेशानियाँ वहाँ पर हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि उनको वहाँ पर गुजार दिया जाए, उनका खर्चा ख़त्म हो रहा है और घर वालों से वो रोज़ वो गुजारिश हैं, शाम को वो वीडियो कॉल घर कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं वहाँ पर, उनकी सेहत ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना से मर जाएंगे, वो परेशानी से वहाँ पर वो डिप्रेशन में हो गए हैं। लिहाजा हम यही अपील करते हैं, वो वहाँ से अगर कोई नंबर यहाँ पर सरकार ने दिए हैं, डी साहब ने या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो कश्मीर की है, उन्होंने यूटी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने उनको जो नंबरात दिए हैं, लेकिन कभी स्विच ऑफ आ रहे हैं, कभी बिजी आ रहे हैं, वो परेशान वहाँ पर है। हमारी यही अपील है, हम अपील कर रहे हैं जिस तरह बाकी स्टेटों ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो लेबर्स हैं स्टेटों में, बाकी स्टेटों में फंसे हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको वापस लाया। हम यही अपील करते हैं, हम गृह मंत्री साहब से, नरेंद्र मोदी जी से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, ड्यूकॉम से हम अपील करते हैं कि उनको वापस लाओ, स्टूडेंट है या बाकी लोग, वो घरों में रहेंगे, घरों में वो सेफ है।